मेरा है दीप्ति जायसवाल, 27 तारीख का है। मैं ना दुविधा में फंस गई हूँ, एकदम से दुविधा में फंस गई हूँ। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैं हस्बैंड को कॉल की जब मुझे लगा कि नहीं उनको घर पे होना चाहिए। उनको कॉल की कि आप वहाँ से निकलो, कुछ भी करके निकलो और लैपटॉप घर पे लेके आओ, चाहे जो भी करो। मेरी तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे टेस्ट भी कराना है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं समझिए तो 3 दिन हो गए, आज कौन सा दिन है, थर्सडे ना, आज 4th दिन है मेरे पेट दर्द का। तो आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं उठी नहीं हूँ, मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, मैं बेड से उठी ही नहीं हूँ। घर के कोई काम नहीं हुए, कुछ भी काम नहीं हुआ, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है। घर किसी तरह उठ करके थोड़ा बहुत घर को मैनेज करूँगी, बर्तन धोना और जो भी है, झाड़ू पोछा कैसे क्या करें मुझे नहीं पता। बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता, तभी से मैं बेड पर लेटी थी तो दिख नहीं रहे ज़्यादा, पर उठूँगी तो दिखेगा, धीरे धीरे कर लूँगी। और चना मैं रात को फूलने के लिए दी थी, तो किसी तरह मैं सोच रही हूँ कि चने की सब्जी बना लूँ, आधी को से मैं मुरमुरा मंगा लूँगी, चना मुरमुरा ये लोग खा लेगा। मेरे दोनों बच्चे क्या खा कर गए हैं, आज लाडो एक केला खाई, आधी तुम कुछ खाया अभी तक? केला खाया था, केला खाया। आधी को भी लाइट फीवर है क्योंकि मैं दवाई वगैरह नहीं देती बच्चों को, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो। घर के जो जरूरी काम थे उसको मैं निपटा ली, नहा धो करके रेडी भी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं लगभग 3:30। और आपको मेरे बाल गीले गीले नजर आ रहे होंगे ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी नहाई हूँ, लेकिन अभी नहीं नहाई हूँ। मैं ना उठते के साथ मैं नहा ली थी थोड़ी देर के बाद, झाड़ू पूछा करने के बाद, पर बाल सूख ही नहीं रहे, इतनी बारिश हो रही है। आज रेड अलर्ट दिया गया है, फिर भी हस्बैंड गए ऑफिस और ऑफिस में सिर्फ गिन चुन करके आई थिंक 2 या 3 एम्प्लॉय होंगे, बाद बाकी कोई ऑफिस नहीं आया है। बच्चों के स्कूल में है छुट्टी, कहा गया था बीएमसी वालों की तरफ से कि घर से नहीं निकलना है, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड गए। मैं उनको सुबह ही बोली थी कि मत ऑफिस जाइए, घर पे रहिए, तो बोले कि नहीं बहुत अर्जेंट काम है, ऑफिस जाना है। तो वो सारे अर्जेंट काम करके 2:30 बजे ऑफिस से निकले हैं। अब देखती हूँ कि ऑफिस से घर आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज है ना, तो ट्रैक में पानी भर जाता है, रोड में पानी भर जाता है, तो कहीं घर पहुँचने में दिक्कत ना हो। और वो जब आएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि किस डॉक्टर के पास मैं जाऊँगी अपने चेकअप के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए पेट में अगर दर्द हो रहा है तो। वो आएंगे 4:30 आई थिंक बज जाएगा उनको पहुँचते पहुँचते, अभी लगभग 3:30 बज रहे, तो 1 घंटा मेरे पास टाइम है, तो मैं इस 1 घंटे में देख लेती हूँ सर्च करके कि आसपास कौन अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो दोनों बच्चे ना सिर्फ मुरमुरा चने के साथ खाएं और राइस वैसे ही पड़ा हुआ है, तो चावल खाया ही नहीं है, चावल पड़ा हुआ है। हाँ फ्राइड राइस बना, देखा होगे? अभी नहीं खाना, अभी मेरा पेट भर गया, काम कितना, रात को बना दीजिए। रात को खाओगे? हाँ। बहुत सारा चावल बना दिए थे पापा का, भी हम चावल बना देते, सोचे थे ना पापा भी आएंगे लंच में, तो रात को बना दिए, तो रात को तो पापा रहेंगे ना। पापा फ्राइड राइस नहीं खाते है, आप बनाएंगे इतना सारा चावल? पापा चावल खा लेंगे। क्या है ना, हस्बैंड को फ्राइड राइस बिल्कुल पसंद नहीं, उनको तो पुलाव तक पसंद नहीं है। ये लड़की ना सिर्फ मस्ती के मूड में रहती है, मुझे लगा कि शाम का टाइम है ना, ये लोग क्या खा गए सुबह से, आधी एक केला खाया ना, हाँ। और मुरमुरा के साथ चना खाया है, और मैं सोच रही कि चावल में बनाए उसका फ्राइड राइस कर देती हूँ, वो खा लेगा। भूख तो नहीं लगाया ना बेटा? नहीं अभी। मैं ना सुबह से सिर्फ पानी पी के हूँ और कुछ नहीं खाई और खाऊंगी भी नहीं। मैं सोची कि मैं पूरा टाइम ना ये नारियल पानी पी के रहूंगी, पर इतना तेज बारिश हो रहा है कि ना मैं जा पा रही हूँ ना ही मैं आदि को भेजना चाहती हूँ, क्योंकि आदि को है ना हल्का लाइट फीवर है जो जिसको इग्नोर किया जा सकता है, मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, और वो भी बेटर फील कर रहा है। कोई दिक्कत आदि? नहीं, बस हल्का सा मेरा ना जलन दे रहा है। जलन दे रहा है हल्का सा एकदम। अच्छा, लगता है फीवर आ सकता है इसको। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और सोचेंगे देखो सुबह कॉल की थी बीमार जैसी लग रही थी और अभी तैयार हो गई है साड़ी पहन करके। तो मैं इसलिए तैयार हुई ना, आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे ना बीमार बीमार वाला फीलिंग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे खुद में पसंद नहीं है कि मैं बीमार टाइप का फील करूँ, इसीलिए मैं आज हो गई तैयार, ताकि मुझे खुद में लगे कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ। और मैं सच्ची मैं भी बिल्कुल भी फील नहीं कर रही कि मुझे कुछ हुआ है, जस्ट चेकअप के लिए जाना चाहती हूँ कि पेट में दर्द है तो बेवजह तो दर्द नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ हो। वो आपको दिखा रही हूँ अपना पायल, लाडो पायल पहनी है ना लाडो? हाँ, लेकिन मम्मा ये वाला पायल खुल गया था, वहाँ पे तो मैं खुद से था।
भूख लगेगा तो बोलना, ठीक है? फ्राइड राइस बना देंगे, नहीं तो जो खाने का मन है वो बना देंगे, राइट? ओके। मैंने झाड़ू पोछा कर ली हूँ। ये देखिए टीवी यूनिट में मेरे कपड़े कैसे सूख रहे हैं। बारिश इतनी हो रही है ना, कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे, जबकि ये ना कल के धुले हुए कपड़े, कल सुबह, हाँ कल सुबह के धुले हुए कपड़े, पर सूख नहीं रहे। लाडो ऐसे क्यों कर रही है? सूख गया। नहीं सुना, मैं खुद आया हूँ। पापा आ गए ना, बहुत है, कुछ ला देंगे, ठीक है? चल बेटे, तो अब इसी ड्रेस में चलेंगे। हाँ ऐसे चलेंगे, बाइक में। तुम नहीं जाएगी बाइक में? चलेंगे बाइक में। तुम एक काम करो, आधी वाला रेनकोट है ना, आधी का रेनकोट, हाँ हाफ तक, यहाँ तक तो आ जाएगा। पहन के देखो। क्या बात कर रहे हो? पहन के देखो ना। नहीं नहीं, अरे तुम यार, अरे नहीं नहीं, यहाँ तक आ जाएगा ना? नहीं, यहाँ तक बचा रहेगा, ऊपर बचा रहेगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, अब मुझे आधी का रेनकोट पहना रहे हैं। देखो यहाँ तक हो गया ना, तो दिक्कत है। अच्छा, तो आधी को ना बुखार का दवाई दे के जाना पड़ेगा, उसको फीवर है ना। उसको फीवर आ गया? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, लाइट है, लेकिन अगर बढ़ गया तो। नहीं ये भी मेरे को पहना भी दिए। अरे मेरे को क्लच है, ब्रेकर लगा ले तो तुझे खुले बाल में नहीं जाएंगे। एक मिनट ना, और चेक करिए पहना रहे हैं। हो गया ना, तो बाल तो बांधने दीजिए हमको। बांधो खुले, खुले बाल में नहीं जाएंगे। डॉक्टर कहेंगे देखो स्टाइल मारने के लिए आई। रुको ऐसे मत करो, आराम से। मिल गए, पहले बाल तो बनाने दीजिए। ये क्लच ही डाल देते सारे बाल सब रेडी कर दिए। हाँ डालो, है ना। ये क्या मंगाई है तुम? ये पड़ोसी का पार्सल है। पड़ोसी का है क्या? हाँ, आदि को दवाई दे दीजिए। ऐसा शकल बनाएगा ना कि मम्मी जा ही नहीं पाएगी डॉक्टर के पास। आदि का शकल इस तरह से देख रहे हैं ना, हम रन कर रहे हैं कि ना जाए बीमार बच्चा छोड़ के। नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा। एक तो इसको लेके जा भी नहीं सकते बारिश में आदि को, और फीवर में छोड़ के गर्मी लगता है मेरे को। ठीक है, पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो वैसा ना, पूरा बॉडी चलेगा मेरा। पापा कहाँ चला? अच्छा, ये पहनी है। मैं ना दुविधा में फंस गई हूँ, एकदम से दुविधा में फंस गई हूँ। मतलब आदि को फीवर में छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेके जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, और मेरा डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आ गई बाल बांध करके। चलो पहना ही, बच्चों वाला ABCD। हाँ ABCD वाला पहना रहे, लेकिन पहले हम अपना हेल्थ देखेंगे ना। शर्म तो आएगा लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, पक्का? ठीक है, ठीक। मोबाइल पे ज्यादा मत रहना, तो तबियत ठीक नहीं है ना। और लाडो का ख्याल रखना, लाडो से लड़ना नहीं और लाडो से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा फीवर उसको चला जाएगा। अगर मेरे को हालत खराब लगा तो। चलो बैठ, नया रेनकोट लिए हैं। हाँ नया रेनकोट तुम्हारे लिए भी आया है। पूरी मेरा साड़ी नीचे से ना पूरा भीग गया है, जा रहे कपड़ा चेंज करके आते हैं। ओके, ये मेरा है दीप्ति जायसवाल, 27 तारीख का है, और ये मुझे मेडिसिन मिला है यहाँ पे। ये रही मेरी दवाई, 1 2 3, अभी फिलहाल 3 दवाई। तो पहले दवाई तो निकालने दो, ये पहले से ना पानी लेकर के हाजिर हो जाती है। मैं ये खिलाएगी लड़की। दे लो जिंदगी में सबसे बेकार सिरप का टेस्ट वही था।
आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। ये लड़की ना हमेशा आफत करती, कुछ न कुछ सोच रहा है।